मैडम आप यहाँ सुनसान जगह पे अकेले खड़े हो? कुछ नहीं, वो मैं ना कहीं जा रही थी तो फोन आ गया था, इसलिए बात करने के लिए रुक गई थी सर। मैडम यहाँ ज्यादा देर रुकना सेफ नहीं है, यहाँ चोर बहुत टोलते हैं। सर मैं बस अभी जा रही थी। मेरी चैन, रुको! तुम दोनों पुलिस वालों ने मिलके मेरी चैन चुराई, मेरी चैन निकालो। लड़की तू बेवकूफ है क्या, पुलिस वालों को चोर बता रही है? जब मैं वहाँ पे खड़ी हुई थी ना, तुम दोनों मेरे पास आए थे, तब मेरे गले में चैन थी, लेकिन जब तुम दोनों वहाँ से गए तो मेरे गले में चैन नहीं थी। इसका मतलब तुम दोनों ने चुराई है। हम कोई जादूगर है जो हमने चैन चुरा ली? भैया बात जादू की नहीं है, मेरी चैन चोरी हुई है। मेरी चैन बताओ कहाँ पे, मुझे नहीं पता। ओहो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तू यहाँ पर अकेली खड़ी हुई थी, हो सकता है यही चोर हो। यहाँ से आते जाते लोगों को ठग लेती होगी। एक काम करते हैं, इसको थाने लेके चलते हैं। तुम ये क्या कर रहे हो भैया, मेरी चैन चोरी है। मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कोई चैन चोरी नहीं की है। अरे भाई एक मिनट रुको, ये क्या हो रहा है बताओ तो सही। भैया इन दोनों पुलिस वालों ने मिलकर मेरी चैन चुराई है। तो भैया अगर उसकी चैन चोरी होगी तो बताओ ना उसकी चैन कहाँ पे। तू ना अपना काम कर, पुलिस के काम में बाधा मत डाल। पुलिस के काम में बाधा मैं ना डाल रहा, तुम डाल रहे हो। मैडम चैन इन्हीं के पास है, दे सकते हैं, हमारी तलाशी ले लो, हमारे पास चैन नहीं है। करेंगे चेक, जरूर करेंगे। मैडम इसकी टोपी उतारो। मेरी चैन, चोर कहे के तुमने मेरी चैन चुराई। हम कितनी मेहनत मजदूरी करके सोने की चीजें बनवाते हैं और तुम लोग ऐसे चुरा ले जाते हो। ये कोई पुलिस वाले ना है, ये चोर हैं। पुलिस स्टेशन के जहाँ कपड़े धुलने जाते हैं ना, इन्होंने वहाँ से पुलिस के कपड़े चुराए और यहाँ के लोगों को ठगने लग गए। वाह बेटा, पुलिस के कपड़े तो ठग लिए, लेकिन कहीं से जूते भी ले लेते हैं। पुलिस वाले जूतों से ही पहचाने जाते हैं। हाँ सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इन दोनों ने ना कल हमारी गली में भी किसी की चेन चुराई थी। बेटा तुमने क्या समझा था, ये पुलिस की वर्दी पहन ली तो कोई तुम्हारे ऊपर शक ही नहीं करेगा, तुम्हें पुलिस वाला समझेगा। अरे पुलिस वाले को देखते ही हर किसी की उम्मीद जागती है कि वो उसकी मदद करेगा, और तुम तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे कोई मेहनत मजदूरी करके दो पैसे जोड़ के गोल्ड की कोई चीज बनवाता है और तुम उसे चुराने चले थे। तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, तुम्हें तो सजा मिलेगी। अब रहोगे बेटा सलाखों के पीछे तुम, क्योंकि तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है, तुम्हारी जगह है जेल में। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चलो बेटा नकली पुलिस, अब तुम्हें असली थाने लेके चलता हूँ।